पता है वेकेशंस अनोइंग क्यों हो जाती है? क्योंकि टीवी पे कुछ आता नहीं, फोन पकड़े पकड़े हाथ में दर्द हो जाता है और पूरे दिन खाते खाते वेट बढ़ जाता है। आई मीन आई नो आई कुड डू समथिंग प्रोडक्टिव बट इतनी गर्मी में मन नहीं करता यार। Hey guys, this is me Shivam Trivedi and I assume most of you have summer vacations right now. Even if you don't, I'm pretty sure कभी तो हुई होंगी। तो यार vacations ना बड़ी anticipated होती हैं, at least for me. छुट्टियां पड़ने से 2 महीने पहले से मेरे plans बनने शुरू हो जाते हैं। वो plans execute नहीं होते, वो अलग बात है। पर सच्ची में, am I the only one who thinks vacations are weird? I won't say I don't like them, I love them. Because रोज 4 घंटे travel करके गर्मी में classes attend करना किसे पसंद होगा? But sometimes vacations get a little too much. As I said, मेरी to-do list तैयार होती है vacations की, but फिर भी ऐसा लगता है पूरे दिन करने को कुछ है ही नहीं। Productivity के ना phases आते हैं। Some days I'm like writing a video script, done. Reading something motivational, done. कच्चे बनियान अलग करके रखना, done. While on some days I'm like कभी कभी तो फोन और लैपटॉप इतना ज्यादा चला लेने से मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है बट आई कांट इवन टेल माय मदर क्योंकि मेरी मम्मी के हिसाब से हर चीज का रीजन मेरा फोन है। टटियां लग गई, मेरे फोन की गलती है। गर्मी ज्यादा पड़ रही है, मेरे फोन की गलती है। इंडिया हार गई, मेरे फोन की गलती है। इस सब के बीच हर 20 मिनट बाद भूख लगती है जिससे वेट बढ़ता है और जिम जाने का मन करता नहीं। एंड इफ यू आर मिडिल क्लास लाइक मी, आई एम प्रीटी श्योर पूरे दिन एसी चलाने पे भी गालियां पड़ती होंगी। टीवी पे कुछ खास आता नहीं और यूट्यूब पे कुछ देखने को मिलता नहीं। वैसे आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। गो एंड चेक आउट माय चैनल, ऑल ऑफ द वीडियोस। मेरे तो फ्रेंड्स भी ऐसे हैं, बस कहीं घूमने चलने को कह दो, बहाने शुरू हो जाते हैं। गर्मी है, पैसे नहीं है, मम्मी मना कर रही है। एक बात सुन लो सब, ये ना सबको पता चल चुका है, किसी की भी ना कभी भी मम्मी मना नहीं करती, इट्स ऑलवेज यू। सो इन शॉर्ट, मेरी वेकेशंस पूरे दिन टीवी देखते देखते, चाय पीते पीते, खाना खाते खाते, फोन स्क्रॉल करते करते बीत जाती है। वैसे ना लास्ट ईयर की बात है, इस बार तो आई एम मेकिंग वीडियोस, डूइंग अ ग्राफिक डिजाइनिंग इंटर्नशिप, मेकिंग एन ऐप एंड गोइंग टू द जिम। अरे कितना शो ऑफ करेगा, कोई लड़की नहीं पटने वाली ये सोच के कि तू कितना हार्ड वर्किंग है, तेरा तो बस हार्ड है, वर्किंग ही नहीं हो पा रहा। और तो और वेकेशंस के टाइम पे ढंग के टीवी शोज भी नहीं आते। ऑन द अदर हैंड, एग्जाम्स के टाइम पे सब शोज के नए सीजन आ रहे होते हैं। यहाँ तो टॉयलेट सीट भी गर्म हो जाती है और जब वो जेट का गरम गरम पानी पिछवाड़े पे पड़ता है ना, पानी की बॉटल्स अलग भर के रखनी पड़ती हैं फ्रिज में। वो तो इस बार हम किसी तरह वेकेशन पे गए, हरिद्वार एंड ऋषिकेश, विच आई फील आर गुड प्लेसेस। आई थॉट यहाँ जाके वेकेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी बट आई वॉज रॉन्ग। लैंग्वेज की प्रॉब्लम, हार्ड वाटर की प्रॉब्लम, पॉटी ना आने की प्रॉब्लम, लोगों के घूरने की प्रॉब्लम, जगहें ढूंढने की प्रॉब्लम, होटल के वाईफाई की प्रॉब्लम। और ये होटल वाले टीवी लगाते क्यों हैं जब 3 ही चैनल्स होते हैं इनके पास? और खाना जबरदस्ती इतना महंगा क्यों कर रखा है? और ये टॉयलेट्स में जो जेट होता है मूवेबल वाला, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया यार? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, यूज कहाँ से करूँ, आगे से या पीछे से? Keeping all of these problems aside, the biggest problem I had on my vacation was my sister. I actually think वो मुझे राखी सिर्फ इसीलिए बांधती है ताकि मेरे से अनलिमिटेड पिक्चर्स क्लिक करवा सके। हमने पूरी वेकेशन पे ऑलमोस्ट 300 पिक्चर्स ली जिसमें से 180 मेरी बहन की अलग अलग जगहों पे करते हुए थी। The only good things about this trip were the hotel, AC and bed. हाँ, और वेदर और लैंडस्केप बहुत अच्छा था तो कुछ पिक्स अच्छी आई। एंड द फूड वाज ऑसम अंटिल आई गॉट सीवियर डायरिया एंड प्यूक्ड 6 times इन 2 hours एंड वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप टू देहरादून एंड कम बैक होम। यस, इट वाज अ परफेक्ट वेकेशन। अब तो ऐसा लगता है बचपन में ही सही था, थोड़ा बहुत हॉलीडेज होमवर्क करो और बाकी पूरा दिन चड्डी में बैठ के वीडियो गेम्स खेलो। वेट, isn't that what I still do? So that was it guys, hope you all enjoyed this video. If you did, make sure to hit that like button and please subscribe to me yaar agar abhi tak nahi kara hai to. I'll see you next time, thank you for watching, bye bye.